वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। सो क्लास सेकेंड, आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पार्ट चार करेंगे, ठीक है, व्याकरण में। तो जल्दी जल्दी से आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लो, देखते हैं पार्ट चार क्या है हमारा। सो पार्ट चार है संज्ञा, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको पार्ट तीन तक कंप्लीट करवा दिया है। पार्ट एक आपका था भाषा और व्याकरण, पार्ट दो आपका था वर्ण और मात्राएं, और पार्ट तीन आपका था शब्द और वाक्य। तो ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, समझा भी दिया है, बुक भी फिल करवा दी है एंड आपका कॉपी वर्क भी करवा दिया है, ठीक है। अब ये है पार्ट चार संज्ञा, पेज नंबर 18। तो आई होप आप सब ने अपनी अपनी बुक्स ओपन कर ली होगी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यह नंदन भवन है, शलभ और शुचि घर सजा रहे हैं, उन्होंने सारे घर में दिए जलाए हैं, माँ के हाथ में मिठाई का थाल है, चारों ओर खुशियाँ फैली हैं, ठीक है। अब देखो इन वाक्यों में आपने अनेक नेम पढ़े हैं, यानी कि इन जो ये जो हम अभी तक लाइंस पढ़ रहे थे इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है ना, जैसे नंदन भवन, घर, शलभ, सुचि, माँ, मिठाई, थाल, दिए, खुशियाँ। तो ये सब जो होते हैं ये सब कैसे नाम है, जैसे ये नंदन भवन हो गया, घर है, ये एक स्थान का नाम हो गया ना, क्योंकि एक जगह है, ठीक है। नंदन भवन और घर एक जगह का नाम है। फिर देखो ये व्यक्तियों का नाम है, शलभ, शुचि, माँ, ये व्यक्तियों का नाम है। फिर ये आपका मिठाई, थाल, दिए, ये सब क्या है, ये सब वस्तुएं हैं, ठीक है, वस्तुओं के नाम। और खुशियाँ भाव का नाम, ठीक है, जैसे खुशी है, दुख है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब भाव का नाम है। और ये यही शब्द जो है तो क्या है, ये सब शब्द संज्ञा हैं, ठीक है। आपका ये जो पार्ट है, पार्ट चार संज्ञा, तो ये सब जो ब्लू कलर से है ना, ये सब क्या है, संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा यानी कि अब यहाँ से आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, प्राणियों का नाम, ये सब क्या होता है, ये सब संज्ञा होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, चाहे जिस चीज़ का नाम हो, नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 19। ये देखो संज्ञा का एक परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ व्यक्तियों के नाम लिखा है, जैसे मदर टेरेसा, दलाई लामा, महात्मा गांधी, विभा, सोनू, मधु, इसके अलावा भी जितने नाम होते हैं वो सब क्या है, संज्ञा में आते हैं। फिर स्थानों का नाम, जैसे बाजार है, बैंक है, विद्यालय है, हॉस्पिटल्स है, पोस्ट ऑफिस है, यानी कि जितने भी जो प्लेस नेम होते, स्थानों के नाम जो होते हैं वो सब क्या है, संज्ञा है। फिर देखो ये प्राणियों के नाम, बिल्ली, गाय, हाथी, कुत्ता, और भी बहुत सारे जो जानवर होते हैं या इंसान होते हैं तो उनके नाम भी संज्ञा होती है, ठीक है। फिर देखो ये वस्तुओं के नाम, मेज, थाली, पलंग, कुकर, बस्ता, खिलौना, एट्सेट्रा, यानी कि आदि जो भी वस्तुओं के नाम होते हैं वो सब क्या है, संज्ञा है। फिर देखो भाव के नाम, मित्रता, शत्रुता, प्रसन्नता, यानी कि खुश होना, दुख होना, ठीक है, सुख, दुख, और क्या था आपका यहाँ पर, खुशी, ये सब भी संज्ञा है। यानी कि अगर हमें किसी भी तरह की कोई फीलिंग आती है, हम अपने भाव को प्रकट करते हैं, तो वो क्या होती है, वो संज्ञा होती है। एक तरह से आप इसको बोल सकते हो कि किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, फिर वो चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो, सब संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर एक लाइन में इसका उदाहरण देना हो, या सॉरी एक लाइन में अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब ये आपका बहुत छोटा सा चैप्टर था, बस आपको ये समझाना था कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है, नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर आपको परिभाषा लिखनी हो, तो परिभाषा आप इस तरह से लिखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब इसको बुक फिल करवानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी बुक फिल।
ठीक है, तब तक के लिए वेट करिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए।